भारत प्रकाश परिषद के 60 वर्ष पूरे होने पर परिषद द्वारा जालौन में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोंच के और उरई में आयोजित किए गए कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर परिषद द्वारा बीते 60 वर्षों में किए गए कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि ने उपस्थित सदस्यों के समक्ष भारत विकास परिषद के उद्देश्य और कार्यों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद में प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में सेवा भाव और संस्कार अवश्य होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा एक सदस्य अपने साथ एक नए सदस्य को जोड़े। वहीं उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की कार्यशाला शाखा स्तर पर भी होनी चाहिए। भारत विकास परिषद के प्रति या भारत विकास परिषद क्या है उसके प्रति जो भाव होना चाहिए कहीं ना कहीं उसमें कमी हो रही है। हमारे जो आज महोदय आपने भारत विकास परिषद कोच शाखा के द्वारा एक संगठनात्मक चर्चा की है, इसका क्या उद्देश्य और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? विक्रांत खंडेलवाल, संगठन मंत्री भारत विकास परिषद। आज पहुंच आगमन का एक बड़ा ही श्रेष्ठ उद्देश्य है। आप सभी को मालूम होगा कि भारत विकास परिषद को स्थापना के बाद 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन 60 वर्षों में हमारा संगठन उद्देश्यों के अनुरूप चले, संविधान के अनुरूप चले और समाज में अपनी एक व्यापक भूमिका सबके सामने रखे, इस उद्देश्य से संगठन को संभालने के लिए, शाखा के लोगों से वार्ता करने के लिए आज मेरा यहाँ आगमन हुआ है। और यहाँ के लोगों के बीच में आज हमने चर्चा की है, आने वाले समय में भारत विकास परिषद जिन 5 सूत्रों को लेकर के संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और समर्पण, इन 5 सूत्रों के ऊपर आधारित अपनी कार्य पद्धति को समाज के हित में और अधिक प्रभावित करेगी और अधिक प्रभावी बनाएगी और आने वाले समय में समाज को लाभ देने वाले, सहायता करने वाले ऐसे हम अच्छे कार्यक्रमों की रचना करेंगे जिससे कोच के गरीब असहाय अशिक्षित लोगों को फायदा हो। और कोच का नाम और शाखा का नाम अपनी सेवा करने वाली बड़ी शाखाओं के अंदर शामिल हो, ऐसा एक उद्देश्य लेकर के आज हम यहाँ पे आए थे। आप सभी लोगों से वार्ता करके और हमने अपने मन की बात यहाँ पे कही है, लोगों ने उसे सहज स्वीकार किया है, आने वाले समय में इसका प्रभाव कोच में दिखेगा। अपडेट मीडिया के लिए जालौन से गगनदीप सैनी की रिपोर्ट।